हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छे ट्रांजैक्शन के बारे में कि बैंक अकाउंट में एक अच्छा ट्रांजैक्शन करने से क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लोग इसके रिकॉर्डिंग मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मतलब अच्छा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरह से हमें अच्छा ट्रांजैक्शन करना है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अच्छा ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम अच्छे ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो अच्छा ट्रांजैक्शन क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट्स होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अच्छे ट्रांजैक्शन के बारे में, ये क्या होता है, कैसे करना होता है। मान लीजिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट है और आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डालिए निकालिए। देखिए, असल में होता क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं बिना इनकम प्रूफ के, या जो है पर्सनल लोन का ऑफर अगर आपको कोई बैंक देती है, तो वो तभी देती है जब आपके बैंक में मतलब अच्छा ट्रांजैक्शन होता है आपके अकाउंट में, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें अच्छा ट्रांजैक्शन। देखिए, अच्छा ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है, जितना अच्छा आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप बैंक से अच्छा होता है। मतलब बैंक से अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने अकाउंट में अच्छा ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अब अच्छा ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप जो है डेली लाख रुपए डालें या 50,000 डालें या मंथली आप 1,00,000 डालें, ऐसा नहीं है। मतलब ये होता है कि आपकी मंथली इनकम, देखिए अगर लोन आप अप्लाई करते हैं या जो है आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है मंथली इनकम, वो देखती है आपकी 20,000 होना चाहिए, कम से कम आपकी मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए। तो इसलिए तभी आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल भी मिलता है, तभी आपको जो है कोई लोन का भी अप्रूवल मिलता है, क्योंकि बैंक को जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम आपकी जो है 20,000 रुपये मंथली सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी सैलरीड हो चाहे वो आपका बिजनेस हो, मंथली आपकी 20,000 की इनकम कम से कम होनी चाहिए, तो आपको जो है अप्रूवल दे देती है। तो इसलिए आपको अच्छा ट्रांजेक्शन का मतलब यही है कि आप जो है 20,000 रुपये कम से कम अपने अकाउंट में मंथली डिपॉजिट करें और उसको यूज़ भी करें। जैसे कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि डेबिट कार्ड उनके पास होता है और वो एक्टिव भी होता है, फिर भी वो लोग जो है यूज नहीं करते हैं उस कार्ड को। जैसे कि आप जो है बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, वहां पे आप डेबिट कार्ड का अपना यूज करिए। जैसे कि आपको अगर रिचार्ज वगैरह करवाना हो तो वहां पर भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, रेस्टोरेंट गए वहां पे आप कैश में ना करके अपने डेबिट कार्ड को यूज करिए, तो मतलब उसको यूज भी, क्योंकि उस वहां पे क्या होता है कि आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि जब आप कार्ड को यूज करेंगे तो वहां से आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन करना भी जरूरी है। आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करिए, मतलब अपने अकाउंट को एक्टिव रखिए, नहीं कि आप गए अपने अकाउंट में आपने 10-20 हज़ार रुपए एक बार जो है डाल दिए, उसके बाद आप भूल गए उस अकाउंट को, फिर 2-4 महीने के बाद गए। तो मतलब अपने अकाउंट को आप एक्टिव रखने के लिए आपको ये ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। तो इसलिए छोटे मोटे काम के लिए डेबिट कार्ड को यूज किया करिए, और उसके साथ साथ अपने बैंक अकाउंट में आपको मंथली 20,000 मतलब आपको मतलब ट्रांजैक्शन करना ही चाहिए, चाहे वो आप ऑनलाइन करें मतलब फंडिंग करें, चाहे वो आप ब्रांच में जाकर डिपॉजिट करें, और उसके साथ साथ उसको विड्रॉ भी करते रहना चाहिए। अब विड्रॉ का मतलब ये नहीं कि आप पूरे निकालना, कहीं पे आपको 500-1,000 की जरूरत पड़ी आप अकाउंट में डाल दिए, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती तो आप ATM से निकाल लिए, कहीं और ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से मतलब ऑनलाइन आपको फंडिंग करते रहना है, ट्रांजैक्शन करते रहना है। मंथली आपको मतलब 20,000 से कम का ट्रांजेक्शन नहीं करना, मतलब 20,000 कम से कम हो, इससे ज़्यादा आप चाहें तो आपकी जितनी इनकम हो आप कर सकते हैं 20,000 से ऊपर, 50,000, 30,000, 40,000, 1,00,000, लेकिन जो है मिनिमम जो होते हैं आपको 20,000 रुपये मतलब डालने होते हैं अकाउंट में, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या जो है आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो मतलब होता क्या है कि जब आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है, मान लीजिए आप ना सैलरीड पर्सन है ना आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है भी तो आप ITR नहीं फिल करते हैं, तो मतलब आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तब आप अगर जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं उस बैंक में, या जो है आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर बैंक ये चेक करती है कि आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है बैंक से। तो यहां पे आ जाता है कि अच्छा ट्रांजैक्शन, जितना अच्छा आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही अच्छा आपका बैंक से रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो इसको कहते हैं एक अच्छा ट्रांजैक्शन करना। काफी लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे, इसलिए वो कमेंट में पूछ रहे थे कि अच्छा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, किस हिसाब से करना है। जितनी आपकी इनकम हो उस हिसाब से आप जो है अपना जो है अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको मंथली 20,000 का ट्रांजैक्शन करना है, मतलब 20,000 रुपए आपको डिपॉजिट करना है, फिर वो चाहे आप जो है 10,000 करके करें दो बार में, चाहे 5-5 हज़ार करके करें, चाहे वो एक बार में करें, जितना क्योंकि आप डालेंगे उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए आपके मिनिमम जो होते हैं, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट जो होती है अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कम से कम एक व्यक्ति की मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए। तो 20,000 के ऊपर अगर है तो कोई प्रॉब्लम, 20,000 के अंदर आप ट्रांजेक्शन ना करिएगा, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करेंगे वहां पर आपकी जो है पॉलिसी मैच नहीं करेगी, तो इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड हो सकता हो आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा ट्रांजैक्शन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।